मैं अपनी मरी हुई बाकी कसम खा के कहता हूँ कि मैंने तुम्हें उसका नहीं छुआ। सब कुछ खत्म हो गया है, सब मर गया है और तुमने मारा है। अगर कुछ बचा है ना तो सिर्फ नफरत है। ठाकुर साहब और उसकी फैमिली के साथ अच्छाई का नाटक करते करते थक गई हूँ। मैं नहीं जा रही। तुम दिल्ली जा रही हो? That's fine, huh? मंदाकिनी जी कहाँ रह गई? वो एयरपोर्ट पर टाइम से एक घंटा पहले पहुँचना पड़ता है। कल मनु के एडमिशन के लिए मैं साथ में चलूँ, मैं तैयार रहूंगा। हेलो हेलो, हेलो, कहाँ का नंबर है? सर आप बोलिए, आपको क्या चाहिए? बोल कौन रहा है? सर आपने फोन मिलाया ना, ये नॉवेल्टी स्टोर का नंबर है। ये भाई साहब, वो आपकी दुकान पे तो लड़की काम करती है, अमना नाम की। नहीं करती। आप प्लीज बोलिए कि आपको क्या चाहिए। भाई साहब आपकी दुकान कहाँ पर है? मेरी दुकान इधर ही है, वसंत राव मार्ग के कोने पर। ये वसंत राव मार्ग कहाँ पे आता है? अरे सर क्या खाली पीली टाइम पास करने को आ जाते हो, सर में है। प्लीज आप फोन रखिए। सर बुआ कितनी देर लगेगी? पता नहीं, चुप हो जाओ, बैठ जाओ चुपचाप। बुआ जी कितनी देर लगेगी? बस थोड़ी देर और। चलो ना बुआ जी, वहाँ बुआ के पास बैठते हैं। चलो ना, चलो ना बुआ जी, चलो ना वहाँ चल के बैठते हैं। चलो ना मनु। चलो ना। क्यों जिद कर रहा है तू? चलो ना। चल मनु।
आहा, साहबजादे वापस आ गए। वेलकम 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 बैक। सब कुछ ठीक ठाक मैनेज हो गया ना? ऑल गुड ऑल गुड। इनफैक्ट क्लियर हो गया है कौन अपना है कौन पराया। You're right. एक बुरा एक्सपीरियंस बहुत कुछ सिखा देता है। Agreed. आप मेरे अपने हो चाचू, मेरा वही एक एक्सपीरियंस है जो मुझे बहुत कुछ सिखा रहा है। आपको खुशी है ना कि मैं घर वापस आ गया हूं? What are you saying? Of course, मैं बहुत खुश हूं कि तुम वापस आ गए। पक्का? मुझे तो लगा कि आप खुश थे कि मैं जेल में हूं। देख रहे हैं मैं, सुन रहे हैं आप? ये तरीका है बात करने का? गलत तो नहीं कहा उसने। मिस्टर आनंद, हम पेरेंट्स से मिले बिना इसको एडमिशन नहीं दे सकते। और वो कहाँ तक पढ़े? वो शायद आठवीं तक पढ़ी होंगे। एट्थ स्टैंडर्ड। और बेटा आपके पापा? जी, उनकी भी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। ऐसे स्टूडेंट को मैं अपने स्कूल में जगह नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। अरे इवान, क्या लेकर बैठ गया है? दिन रात एक करके तुझे निकलवाया है, केस बंद करवाया है, कितना मैनेज करना पड़ा, डू यू रियलाइज दैट? ये सब किसने किया? और जीजा जी ने किया है ना? और तुमने सबको बताया कि तुम्हारे पास से जो ड्रग्स मिले थे उन ड्रग्स की वजह से ये सारा टंटा शुरू हुआ था? बताया तुमने? और हमें एक बंदा ढूंढना पड़ा जिसने इल्जाम अपने सर पर लिया। पकड़ा ढूंढना ना? हाँ? तुम वापस जाना चाहते हो इवान? You want to go back? Actually ये काम तो जल्दी हो जाता अगर मानविंदर जी एक फोन घुमा देते, लेकिन उन्होंने किया नहीं, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया मुझे मैनेज करने के लिए। इसमें भी मेरी गलती है। You should be grateful. ऐसा मानना चाहिए हमारा। वही तो। एहसान। Let's go with it. मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मेरा नाम है मनी, घर का नाम। स्कूल का नाम मनीष अवस्थी। प्लीज नमस्कार। क्लासरूम कहाँ पे है? क्लासरूम हम आपको बाद में बताएंगे, पहले मैं आपके मम्मी पापा से बात करूंगा, फिर आपसे, ठीक है? उनसे क्या बात करोगे, वो तो मिस्टर एंड मिसेस अवस्थी, आपसे कुछ सवाल करने। इज मनीष योर ओनली चाइल्ड के आपके और भी बच्चे? नहीं नहीं, हमारे ओह, तो आपका एक ही बच्चा है। ये धर्मशाला में पढ़ता था, आप लोग मुंबई कैसे शिफ्ट हुए? जी, हम लोग शादी के बाद मुंबई आ गए क्योंकि मुंबई बड़ा शहर है। शादी? किसकी शादी? आप दोनों की शादी? सर मेरा नाम अबीर आनंद है, ये अमला है, मनु की बुआ। ओह आई एम सॉरी, तो आप इनके गार्जियन हैं? अच्छा अच्छा, सॉरी मिसेज आनंद।
मिसेस अमला अबीर आनंद। एक्चुअली मुंबई में हस्बैंड का नाम भी डालते हैं। आपके पति का नाम अबीर आनंद है, इसलिए यहाँ पे अमला अबीर आनंद के नाम से ही रजिस्टर होगा। ये मेरी बुआ है, ये मेरे बुबा जी, मेरी मम्मी। तो अंकल से कुछ सवाल करने, आपसे बाद में बात करेंगे। तो मेरे से करो ना, मुझे ज्यादा पता है। बुबा जी नए नए आए घर में। चलो चुप के रहे तुम। बहुत लाइवली है, क्लास में भी ऐसी मस्ती करोगे? हाँ करूँगा। सर बहुत होशियार बच्चा है पढ़ाई में भी। आप इनके गार्जियन हैं, इसके पेरेंट्स कहाँ हैं? सर वो आ नहीं सके, इसलिए हम लोग ले आए इसको। पर मिस्टर आनंद, हम पेरेंट्स से मिले बिना इसको एडमिशन नहीं दे सकते। देखिए देखना पड़ता है उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है। और वो क्यों नहीं आए, उन्होंने आपको क्यों भेजा? सर वो अभी नए नए मुंबई आए थे, फिर उनको काम से धर्मशाला जाना हुआ तो वापस चले गए वो, नहीं तो वो लोग ही आने वाले थे। और वो कहाँ तक पढ़े? वो शायद आठवीं तक पढ़ी होंगे। What? Eighth standard? और बेटा आपके पापा? जी उनकी भी पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी तो वो। ऐसे स्टूडेंट को मैं अपने स्कूल में जगह नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। सर प्लीज आप रिकंसिडर कीजिए ना। सर बहुत होशियार बच्चा है, और सर हमने आपके स्कूल के बारे में पता किया, सुनने में आया कि वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है। सर आप एक चांस दीजिए ना सर इसको, प्लीज सर। सॉरी, हमारे यहाँ पेरेंट्स का भी इंटरव्यू होता है, ये जानने के लिए कि बच्चा कोप कर पाएगा कि नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे का बैकग्राउंड अच्छा हो। तो मतलब अगर किसी के माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है तो उनके बच्चों को ही पढ़ने का कोई हक नहीं है ना? बच्चे भी जिंदगी भर अनपढ़ रहे हैं। आपको बुरे बैकग्राउंड से लगते हैं क्या सर हम? देखिए हमारे स्कूल के कुछ रूल्स हैं, स्टैंडर्ड है, और इनके पेरेंट्स तो प्लीज आप बच्चे के सामने उसके माँ बाप को छोटा तो मत करिए ना। देखिए यहाँ पर हर कोई अपने बच्चे के लिए बड़ा सपना देखता है। मेरी वाइफ और उनके भाई के माँ बाप भी बचपन में गुजर गए थे, तो उनकी पढ़ाई भी अधूरी रह गई, जाके उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया, अपना काम चालू किया, अपनी लाइफ को संभाला है। अब यहाँ पर आए हैं क्योंकि वो अपने बेटे को वो सारी अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं जो उन्हें नहीं मिली। अब आप तो टीचर हैं ना, अभी तालीम देने का काम है आपका, अभी किसी को तालीम की उम्मीद दे के उसको सर आप प्लीज मत छीनिए। देखिए इसकी पढ़ाई में कोई भी बाधा आएगी तो उसके लिए सर मैं तैयार हूँ, जो भी खर्चा है सारा जितना भी है वो सब मैं उठाऊंगा, जो भी हेल्प हो सकती है मैं करूंगा सर। सर मैं खुद ITI डिप्लोमा किया है मैंने, मेरा खुद का फोटो स्टूडियो है, तो सर कोई भी हेल्प चाहिए कहीं भी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ सर। अब प्लीज सर अब एडमिशन दे दीजिए ना। तो बच्चे के गार्जियन आप होंगे ऑफिशियली? जी। देखिए नॉर्मली हम ये करते नहीं, पर आपके केस में कंसीडर कर रहा हूं। थैंक यू सर। ये मेरी एडमिशन, थैंक यू सर। सर देखना मनु आपके स्कूल का ना सबसे बेस्ट स्टूडेंट होगा। आप भी इनकी गार्जियन है ना, आप कितना पढ़ी लिखी हैं? मैं 10वीं तक पढ़ी हूँ। सर मैंने कहा ना वो काम कर रही थी तो उसके माँ बाप गुजर गए थे। तो इट्स ओके। वैसे आप बहुत लकी हैं कि आपको इतने समझदार हस्बैंड मिले, और अब तो आप बॉम्बे में आई गई हैं, आपको बहुत चांस मिलेंगे, बहुत मौके मिलेंगे। और मिस्टर आनंद आप अपनी वाइफ की पढ़ाई पूरी करवाइए। जी सर बहुत अच्छा आइडिया है, मैं जरूर करवाऊंगा सर।
मिस्टर एंड मिसेज आनंद, ये फॉर्म ले जाइए, इसमें मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं, और आप लोग नेक्स्ट वीक आके फीस वगैरह भर दीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट मनीष, अब हम आपको अगले हफ्ते मिलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। माय प्लेजर। ये मेरा एडमिशन हो गया बुआ जी। ये ऋषांत को गलत समझा, वो तो इवान को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। गलत समझा? अगर किया तो जताया भी ना, उन्होंने मुझे वहां पे जानबूझ के रखा हुआ ताकि मुझे सबक सिखा सके। सब समझ रहा हूं मैं चाचू, सब समझ रहा हूं क्या चल रहा है आपके दिमाग में। इवान, calm down. मॉमी hates me. और ये आप दोनों जानते हो राइट? वो बड़े हैं इसलिए हमेशा आप मुझे चुप करवा देते हो। दिख नहीं रहा क्या आप दोनों को? उन्होंने जानबूझ के रखा था मुझे जेल में। Fine. अगर आप दोनों मेरे लिए नहीं लड़ेंगे तो मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ लूंगा। वैसे कहाँ है हमारे घर का असली चिराग, मेरे चाचू का बिगड़ा हुआ शहजादा? वो पल्लवी उसे दिल्ली ले गई है मानवेंद्र जी के यहाँ। रियली? मतलब साहब वहां दिल्ली में रोमांस कर रहे हैं, मैं यहां जेल में सड़ रहा था। बुआ देखा प्रिंसिपल सर ने क्या कहा, आपका बिना लिखवा देंगे स्कूल में। बुआ जी अब मेरे अम्मा करवाओगे ना, बुआ का भी करवा देना। अमला, अबीर, अनंत, प्रिंसिपल। मनु, अच्छा आज आपका एडमिशन हुआ है ना? हाँ। तो इस खुशी में आज हम आइसक्रीम और चाट और पकौड़ी खाएंगे। और फिर उसके बाद पूछो क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसके बाद आपकी नई बुक्स, नए कपड़े और नया बैग, वो सब लेके आएंगे। ठीक है? हाँ। क्या बोलते हैं? कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं घर जाके चली जाऊंगी पापा से किताबें लाने। मनु कहाँ जा रहे हो, गिर जाओगे उधर, इधर होके बैठो। खिड़की वाली सीट मेरी होती है, भगवान ने ऐसा ही रूल बनाया है। कोई रूल नहीं है, इधर बैठो, इधर आओ। बुआ जी गेम खेलोगे? कौन सा गेम? इसमें मैं गाड़ी पूछूंगा, आप मॉडल बताना। ये कौन सी है? ये? हाँ। ये है सेंट्रो। और ये? ये स्विफ्ट। और ये? नहीं पता, वो तो स्कूटर है।
आजकल तेरा मूड चेंज होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता ना, तो मैं क्लाइंट को यहीं ले आया। अगर मेरी बेटी होती तो मैं भी उसकी शादी सुबीर जैसे लड़के से नहीं करती, और इस घिनौनी हरकत के बाद कोई अच्छे घर की लड़की इससे शादी नहीं करेगी। तू? आजकल तेरा मूड चेंज होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता ना, तो मैं क्लाइंट को यहीं ले आया। अगर मेरी बेटी होती तो मैं भी उसकी शादी सुबीर जैसे लड़के से नहीं करती, और इस घिनौनी हरकत के बाद कोई अच्छे घर की लड़की इससे शादी नहीं करेगी।